हाय, वेलकम टू अनडिजाइन्ड। एंड हमारा टेंपल और आर्कियोलॉजी जो सीरीज है उसमें सबसे पहला हमारा ये पॉडकास्ट है। सबसे पहले हम ले रहे हैं द वन एंड ओनली कैलाश टेंपल। इसकी हिस्ट्री के साथ शुरू करेंगे तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या थॉट लाइन रहा होगा, क्या हिस्ट्री है इसके टेंपल के बनने के पीछे। हम शुरू करते हैं इसके कारण से कि कैलाश टेंपल क्यों बना। ऐसी मान्यता है कि रक्तकूट राजा कृष्णवन की जो रानी है उन्होंने ये इच्छा जाहिर की राजा की तरफ कि उन्होंने एक्चुअली राजा बीमार रहते थे तो उन्होंने कृष्णा जी और शिव जी की बहुत बड़े भक्त थी तो एक व्रत रखा था कि अगर मेरे महाराज ठीक हो गए तो मैं एक ऐसी मंदिर, भव्य मंदिर बनाऊंगी आपका जो पूरे जग में, संसार में नहीं होगा। इस व्रत के चलते एक 10 से 15 दिन में महाराज ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने महाराज को, महारानी ने बताया कि मैंने एक ऐसा व्रत रखा था शिव जी के पास, तो जब तक मैं उस मंदिर का कलश नहीं देखती, मतलब कंप्लीशन एक तरीके से, मैं उस मंदिर को कंप्लीट नहीं देखती तब तक मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगी। महाराज रानी से बहुत प्यार करते थे तो वो एक बहुत परेशानी में पड़ गए कि करें क्या। उन्होंने उससे पहले से ही, मतलब 6th AD तक वहाँ पे एलोरा के वहाँ पे केव्स जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स हैं वो खुद से काव कर रहे थे, तो उसी पूरी लेनी के बाजू में उन्होंने एक स्लोप में एक पर्वत मार्क किया एलोरा, जो कि वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। उस पर्वत को उन्होंने ऐसा सोचा कि ऊपर से नीचे काव करते हैं ताकि सबसे पहले कलश बनाए और कलश महारानी को दिखाए जो उनकी जिद थी और वो अन्न ग्रहण करे। इसी संरचना से उन्होंने बहुत ही जल्दी प्लानिंग चालू की और चालू करते पहले कलश बनाया। ऐसे सुनने में आया कि 18 दिन में एक कलश बना, महारानी ने कलश देखा और अन्न ग्रहण किया, उसके बाद पूरा टेंपल बना। सो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है इसका हिस्ट्री। तो सिर्फ मेरा सवाल एज ए डिजाइनर ये है कि आप एज अभी समझ लीजिए आप ही वहाँ के आर्किटेक्ट रहे होंगे, एंड क्योंकि द प्रॉब्लम वो जो है राजा या उनके जो टीम है वो लेकर आई होगी कि हमको कलश तो दिखाना ही है महारानी को। सो हाउ कैन एन आर्किटेक्ट कम विद एन आइडिया कि मैं अपना काम ही उल्टा कर लेता हूँ एंड उसको ऊपर से नीचे शुरू करता हूँ, हालांकि वो काम कितना डिफिकल्ट होगा वो सोचे बिना या फिर शायद सोचने के बाद। बराबर है, ये बहुत अच्छा सवाल है प्रवीण। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था जब मैंने वो मंदिर देखा कि इट इज़ ए सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। कोई क्यों एक मंदिर मोनोलिथिक बनाएगा और वो भी सिंगल स्टोन को काव आउट करके बनाएगा, क्योंकि मोनोलिथिक स्कल्पचर आदमी किसी एक मूर्ति को या जो मूर्ति चारों तरफ से देखी जाती है, म्यूरल बोलते हैं, मूर्ति बोलते हैं, स्कल्पचर बोलते हैं, स्कल्पचर को बनाता है चारों तरफ से, और जब वो चारों तरफ से काम करता है तो वो एक अपने हिसाब से ऐसा रॉक देखता है जो इजीली मेलेबल हो, आराम से काम किया जा सके, चारों ओर घूम सके, उसे स्केल भी वैसे ही रखता है कि ह्यूमन स्केल में हो, क्योंकि अगर ह्यूमन स्केल से ऊपर हुआ तो उसे कुछ हम लोग उसे स्कैफोल्डिंग्स या परांची बोलते हैं, उस पर चढ़ के उसे वो स्कल्प्ट करना पड़े, उसे थ्री डायमेंशन देना पड़े। लेकिन यहाँ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट ही उन्होंने स्कल्पचर जैसे स्कल्प्ट किया पूरे पर्वत के अंदर से। सो उसका मेन कारण क्या होगा यही सोचते हैं, मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री में गया। ग्रेट, अभी आपने जस्ट एक पॉइंट बोला कि ह्यूमन स्केल के हिसाब से आज के मॉन्यूमेंट को हम जब इमेजिन करते हैं तो वो स्केल इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने लिए, क्योंकि अपने आई लेवल से जब भी हम जज करते हैं किसी मॉन्यूमेंट को तो वो एक थोड़ा सा एम्बिगुशरी हो जाता है कि वो कैसे एक्चुअली दिखेगा, जब वो सामने से दिखेगा या फिर टॉप व्यू से दिखेगा। इस केस में अगर ऊपर से नीचे जाना था तो काम क्या आसान हो गया था क्या इमेजिन करना? नहीं, बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट वो मुश्किल इसीलिए भी था कि वो जो पर्वत, आप ऐसा इमेजिन कीजिए पर्वत है और पूरा स्लोप है, इस स्लोप में आप अगर देखेंगे तो प्लान अपना नीचे बनता है और फिर वो ऊपर इलिवेट होता है, एक एक स्ट्रक्चर्स ऊपर आते हैं। लेकिन इस स्लोप का जो एरिया है, इसका एरिया और नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया सेम नहीं होगा,
क्योंकि ये स्लोप का एरिया है, तो प्लान तो उन्हें नीचे जो उन्हें रेक्टेंगल मिलेगा उसके हिसाब से करना पड़ा और स्लोप वैसे बनाना पड़ा। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने पहले कलर्स दिखाया, कलर जैसे ही बना उन्होंने ये प्लान पहले से मैप करके रखा था कि वो एक्स बाय वाई कितना होगा। अंदाजन जो टोटली है मेरे ख्याल से 90 मीटर्स बाय 40 मीटर्स के आसपास एक्स बाय वाई है, तो वो पहले ही उन्होंने एक्स बाय वाई मैप कर लिया और उस एक्स बाय वाई के हिसाब से उन्होंने फिर ट्रेंच बनाई पूरी यू शेप में, पूरा का पूरा 90 to 50 feet पूरा नीचे तक पूरा ट्रेंच बना दिया, खोद दिया, और बीच में जो मोनोलिथिक रॉक बचा था उसमें एक रथ शेप का पूरा टेम्पल निकाल लिया उन्होंने। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने किया ताकि उन्हें जगह मिले काम करने के लिए चारों तरफ से। लेकिन फिर भी ये प्रवीण मुश्किल है क्योंकि जब आप काव कर रहे हो ऊपर से नीचे, तब एक्चुअली आपके सामने तो एक रॉक है जो कि किसी भी शेप में है, बसाल्ट रॉक है, इग्नियस रॉक है, रॉक में फेलियर हो नहीं सकता क्योंकि आप किसी भी तरीके से कोई भी हथौड़ा मारे और वो टूट गया या गलत तरीके से टूटा तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वन मिस्टेक वुड बी रीडूइंग एंटायर वर्क टोटली, सो यू कुड नॉट कीप अनस्किल्ड लेबर्स, सो द लेबर क्वालिटी वुड बी, आप कुछ आर्किटेक्चुरल नॉलेज वाले लेबर्स होंगे, कुछ स्कल्प्टर्स होंगे, कुछ ऐसे जानकार होंगे जो भगवान और उनके, क्योंकि पूरे मंदिर पे स्टोरीज ऑफ गॉड, स्टोरीज ऑफ डाइटीज, रामायण महाभारत, स्टोरीज विथ कनेक्शन विथ शिवा एंड पार्वती, स्टोरीज विथ कनेक्शन विथ नागदेवा एंड अदर डाइटीज, एवरीथिंग इज कार्ड ओवर देयर। सो वो बताने के लिए, वो एक्सप्रेशन आने के लिए, इनफैक्ट वो सारे विद्वानों का एक दल होगा टोटल, और उन सब ने म्यूचुअली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए पूरा मंदिर बना। सो ये सवाल मेरे मन में था ही, आपने अच्छा किया उसका जवाब दे दिया कि फिर तो ये एक आदमी का काम नहीं लग रहा है, जो एक मास्टर प्लानर नहीं हो सकता उसके अंदर। करेक्ट है, जिससे कि आज की डेट में हम जितने भी स्कल्पचर्स बनाते हैं हमारे पास RCC कंसल्टेंट अलग होता है एंड जो डिजाइनर होता है वो अलग होता है एंड इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने अपने जॉनर का मेन जो है वो आउटलुक उसको देखते हैं एंड देन उसको अचीव करते हैं। करेक्ट है, तो मैं इसे ऐसा बोलूंगा कि उस वक्त भी आर्किटेक्चरल स्टडीज थे इंडिया, 6th century में देर वॉज आर्किटेक्चर टॉट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक टर्म्स, वास्तुशास्त्र वास्तुज्ञ देर टू टीच टेम्पल आर्किटेक्चर, देवेर टू टीच पैलेस आर्किटेक्चर, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एज वी से। एक्चुअली टेम्पल्स वेर प्लेस ऑफ एजुकेशन, टेम्पल्स वेर प्लेस ऑफ मैरिज एंड कमिंग टूगेदर, इट वॉज अ कम्युनिटी काइंड ऑफ गेट टूगेदर। मोर ओवर एजुकेशन वॉज फ्री देन, वेर टेम्पल्स वेर बिल्ड यू ऑल इन एंड अराउंड द सिटी पीपल यूज टू गेट ए कम्युनिटी हॉल इन फॉर्म ऑफ टेम्पल, उन्हें एजुकेशन के लिए एक शिक्षा का एक मंदिर मिल जाता था टेम्पल के हिसाब से, जो वहाँ गुरुजी रहते थे, तो इसीलिए महाराज और हर जगह पे राजा चाहता था कि मंदिर हो, ऐसे कहते हैं मंदिर के बाजू में गांव बसता था। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है अचानक से, अभी ऊपर से हमें काव आउट करना है एंड आपने बताया कि वो जो पूरा माउंटेन था वो स्लोप में था। करेक्ट, आज की डेट में तो हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं ताकि हम उसको एफेक्टिवली विदाउट विद सिक्योरिटी हम उसको कर सकते हैं। Correct. लेकिन अभी मंदिर के एज पे जब काम करना है तो वो काम कैसे एग्जीक्यूट किया होगा? एक्चुअली उन्होंने जैसे स्कैफोल्डिंग्स बोलते हैं उससे, और रस्सी तो उन्हें था ही, मतलब रस्सी ऊपर से लटक के उन्होंने वो काम किया होगा। मैं उससे भी ज्यादा ये आश्चर्य की बात आपको बताऊंगा कि वो जो मलबा निकला टोटल, वो आप ऐसे इमेजिन करो स्लोप है। एक और बात बताना जा रहा हूँ, मैं बार बार स्लोप बोल रहा हूँ, जो अजंता एलोरा के केव्स है, मतलब एलोरा के जो अजंता के जो केव्स है वो सारे केव्स एक स्लोप पे ही हैं, लेकिन उनका फेस ना ड्यू टू नेचुरल इरोजन ऑफ वाटर एक ऑलमोस्ट 90 degree या 60-65 degree हो गया है जो स्लोप है, और उसके अंदर फ्रंट कार्विंग हुई है। जो मॉन्क्स हैं या तब के जो श्रद्धालु होंगे उन्होंने सामने से काव किया
और उन्हें अंदर में उन्होंने गुफाएं बनाई या वो जगह बनाई जहां वो रहते थे और अब मेडिटेशन करते थे. दैट वॉज फ्रंट कार्विंग. हियर इट वॉज अब ऊपर से नीचे कार्विंग थी. एंड इवेंचुअली जब ऊपर से नीचे कार्व करके पूरा स्ट्रक्चर और रथ जैसा जो स्ट्रक्चर है जो कैलाश माउंटेन को भी रिसेम्बल करता है वो बनने के बाद फिर उन्होंने अंदर से भी हॉलो स्ट्रक्चर्स कार्व करना चालू किए ताकि वो मंदिर में एंट्री मिले. और उस हिसाब से अंदर के आपके गुमज हुए, आपके गर्भगृह हुआ, आपका मंडपा हुआ, ये सारे बाद में कार्व करना चालू किए. आप समझे? तो फिर एक चीज मुझे समझनी है इसमें. जनरली हम लोग नीचे से ऊपर बनाते हैं. हाँ. तो वी आर अवेयर कि ऊपर तो कुछ भी नहीं है, खाली है, आसमान है हमारे पास. तो हमें पता होता है कि उस तरफ से भी हम ट्रीट कर सकते हैं उस सरफेस को. अभी जो गुंबज है टेंपल का, मैं उसको बाहर से पहले उसको गोल कर रहा हूँ, देन मुझे पता नहीं है कि अंदर का रॉक कैसा होगा. जब मैं वापस रिटर्न घूम के नीचे से उस तरफ पहुंचूंगा, सो हाउ डू आई अश्योर कि उसका स्ट्रेंथ भी कम ना हो और वो दिखने में भी खूबसूरत है. इसीलिए कहता हूँ वहां पे जो आर्किटेक्ट्स या लेबर्स होंगे दे वर ट्रूली एक्सपीरियंस. दे वुड हैव मेड मेनी टेम्पल्स बिफोर. यू कुड नॉट हैव अ न्यू वर्कर वर्किंग देयर. बिकॉज आप जो बोल रहे हो बहुत सही है. हम कोई कलशा या गुमज जो बाकी मंदिर हैं इंडिया के आप देखोगे तो दे हैव एन इंटरलॉकिंग बॉन्डिंग सिस्टम एंड दे हैव एन मोटर सिस्टम, लाइन मोटर सिस्टम. ये एक दूसरे के ऊपर रॉक इंटरलॉकिंग रख के किए हुए हैं. तो उसमें आसानी ऐसे होती थी कि हम समझते हैं प्लिंथ का रॉक है या जो स्तंभ है वो जो पिलर्स है उसका जो नीचे का एरिया है जो फ्लोरल एरिया आता है जो उसका बेस है उसे समझो दो लोग कार्व कर रहे हैं अलग से उसे रखा गया. फिर उसके ऊपर इंटरलॉकिंग ऊपर का मिड पोर्शन रखा गया और फिर उसका फ्लोरल पार्ट और फ्लोरल ऊपर का रखा गया और उसके ऊपर बीम्स रखे गए. जब बीम्स रखे उन्हें भी इंटरलॉकिंग करके बीम्स बनाए गए. तो वो आसान थे क्योंकि ये बीम आप बना रहे हो तीन लोग मिलके और फिर इसे ट्रांसपोर्ट किया गया और उसको ऊपर रखा गया. यहाँ पर ये सारा चीज मोनोलिथिक रॉक में करना था. तो वो जो गैप्स हैं आप मंदिर जब देखोगे वो तो वो गैप्स हार्डली 2-3 इंच के गैप्स हैं जिसके अंदर से उन्होंने सिर्फ हथौड़े से और चिजल से वो सारे ब्यूटिफिकेशन किए. मोर ओवर ये तरीका है टेम्पल आर्किटेक्चर का. ये है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जिस हिसाब से ये कर्नाटका और महाराष्ट्र के वहाँ उस एरिया में मंदिर होते हैं. एक्चुअली दिस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय चालुक्यास. सो इट वॉज दैट द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नॉट लाइक नॉर्थ टेम्पल्स विच आर नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. वो दोनों हम बाद में मैं आपको बता दूंगा फर्क क्या है. तो बेसिकली जो आप इतना समझ लीजिए द्रविडियन स्टाइल के हिसाब से जो शिखरा होते हैं वो मल्टीपल शिखरा एक सेम लेवल पे चालू होते हैं. और यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत सारे साउथ में मदुरई में और इन जगह पे शिखरा जो मल्टीपल है वो एक ही जगह चालू होकर 7 शिखरा जनरली होते हैं. तो वहां पे भी आप देखोगे तो 7 शिखरा है. जो शिखरा के बीच की वैली है उन्हें भी उन्होंने काव किया है, उसे पे नक्काशी की है. तो सोचिए कितना इंक्रेडिट डिटेल्स है और उस हिसाब से किया. मैं और एक चीज बताऊंगा. कुछ कॉलम्स हैं वहां पे जिसमें से कुछ साउंड्स बनते हैं थोड़े से. आई एम नॉट सेइंग बहुत ही तबले की आवाज आती है ऐसा कुछ, लेकिन कुछ ऐसा इंक्रेडिट कॉलम्स है जिनके अंदर से साउंड आता है. अब किसी मोनोलिथिक रॉक के अंदर से साउंड आना मुश्किल है जब तक वो अंदर से हॉलो ना हो. तो आई डोंट नो हाउ दे मेल्टेड रॉक इनसाइड दैट कॉलम एंड वो आवाज आ रहा है उनमें से. सो इस हिसाब से वो पूरा काम किया गया. ये सब सुनने से एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये कम समय का तो काम नहीं रहा होगा क्योंकि आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है, उसका मतलब वीकनेस उसमें नहीं आए, एंड देन उस पे डिटेलिंग्स पे नकाशियों पे काम करना है, एंड देन वापस आपके प्लानिंग जो है वो छोटे छोटे डिटेलिंग कहीं मिस नहीं हो जाने चाहिए. तो कितना समय लगा होगा इसको? इस समय के बारे में भी इसमें 3 मान्यताएं हैं. पहली मान्यता है कि 18 दिन में बन गया होगा. तो मेरा ये कहना है कि 18 दिन में सिर्फ कलश बना था जो महारानी को चाहिए था, वो भी बहुत डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए, फिर भी उन्होंने अचीव किया. दूसरा ये मान्यता है कि 18 साल में बना होगा. लेकिन 18 साल को रूल आउट इसलिए किया जाता है कि
टोटली वहां से प्रवीण 4,00,000 टन मलबा ऑफ इग्नियस बेसाल्ट रॉक निकाला गया और वो मलबा कहीं डिस्पोज किया गया जो आज तक लोगों को मालूम नहीं है कि किधर फेंका गया। 4,00,000 टन एक पर्वत का पूरा पार्ट किधर है किसी को मालूम नहीं है, कहाँ यूज हुआ है। तो वो वहां से ट्रांसपोर्ट करके कहीं फेंकना, वो अगर हर रोज के हिसाब से 18 साल करते रहे, कोई छुट्टी ना ले, त्योहारों का बारिश तूफान कुछ ना देखें, और फिर भी हम सोचे हर रोज 12 से 15 घंटे काम कर रहे हैं 7,000 स्किल्ड लेबर्स, तो भी हम इसे साल के कैलकुलेशन में लेके आएंगे ईयरली कैलकुलेशन, तो वो 22,000 टन का पूरा मलबा होता है और उसे दिन में लेके आएंगे तो ओवरऑल दिन से घंटे पे आएंगे तो 5 टन मलबा रॉक बेसाल्ट काव आउट करना है, और वो भी नक्काशी बना के, ना कि ऐसा खोद के सिंपल निकालना है, हथौड़े से चिजल से एक एक डिटेल्स के साथ कम्युनिकेट करके कि मैं जहां कर रहा हूं वहां कलश आ रहा है, आप कर रहे हैं वहां मूर्ति है, तो हम दोनों कम्युनिकेट करके अभी यहाँ का बीच का पोर्शन कैसे करें और वो मलबा निकालना। तो 18 साल भी इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि 5 टन एक घंटे में आज के तारीख में CNC मशीन्स भी नहीं काफ कर सकते। तो इसीलिए मेरी मान्यता कि 135 साल का जो उनका कई लोग कहते हैं इतिहासकार वो सही डेट है, 135 का साल में कम से कम 4 से 5 पीढ़ी काम कर रहे थे, जो नॉलेज है अबाउट टेंपल प्लानिंग वो 5 generations गया और 5 generations ऑफ आर्टिस्ट आर्किटेक्ट्स लेबर्स अदर स्किल्ड जो ज्ञानता है, जो म्यूरल्स के बारे में जानते हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, जो वो डेइटीज की स्टोरीज जानते हैं, या कुछ चेंजेस होंगे जो डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं, ये सारे मिल के कम से कम 5 generations इन्होंने काम किया 135 साल। सो इससे एक चीज डायलेमा जो मुझे नजर आता है, एज डिजाइनर्स हम लोग लैक ऑफ कम्युनिकेशन से डिजाइन पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखते हैं, करेक्ट? तो इतने जनरेशन पे जाने के बाद भी मॉन्यूमेंट का डिजाइन में ऊपर से लेके बॉटम तक यूनिफॉर्मिटी आना और वो वन पीस दिखना एज ए डिजाइन, वो कैसे नॉलेज पास ऑन किया होगा? इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि ये जब एजुकेशन सिस्टम था हमारा पहले वाला, जो ऐसे हमारे जो पूर्वजों ने जो डिजाइन किया था, उसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ फैशन, फ्रीडम ऑफ डिजाइन बहुत ज्यादा था रादर देन दिस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमें मॉड्यूल्स में प्लानिंग करना सिखाया गया था, हमें मालूम था कि मंदिर का ओरिएंटेशन कैसे करना है, तो उस मंदिर को आप अगर देखोगे ना स्लाइट 5 to 8 degrees टिल्ट किया गया उस स्लोप में, सिर्फ वो एग्जैक्ट जब अब गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो बराबर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो इसके लिए। अभी आप सोचो विदाउट GPS, विदाउट योर जियोलॉजिकल कंपासेस एंड व्हाट ऑल, दे मैनेज टू टिल्ट इट बाय सच ए माइन्यूट डिग्री, सो प्रिसिशन कितना होगा। मोर ओवर दे न्यू ज्योमेट्री आई वुड से मोर देन अस, बिकॉज आफ्टर दिस ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर देयर के मॉडर्निज्म एंड एवरीथिंग, द लाइन्स आर क्लियर। आज हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं क्लियर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बनाते हैं, उन्होंने वही रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स यूज किए हैं, लेकिन आप देखेंगे ना तो दे यूज सर्कल विथ रेक्टेंगल, इसलिए जो कलश आप देखते हैं मंदिर के ऊपर वो एक रेक्टेंगल जब आप ऐसे पैटर्न में रखते हैं सर्कुलर पैटर्न में, तो वो जो कोन्स बनते हैं उससे ही पूरा कलशा या शिखरा बनता है जिसे विमाना भी कहते हैं। तो वो पैटर्न्स या तो आप ऐसे यूज कीजिए स्पाइरल पैटर्न में यूज कीजिए या किसी और पैटर्न में कीजिए, आपका जो मंदिर बनाने का मॉड्यूल है वो भी आप किसी हिसाब से रखिए, ये सब ट्रेन किया जाता था उन्हें, तो इसीलिए ये एजुकेशन उन्हें बेसिक ऑफ आर्किटेक्चर सिखाया ही जाता था। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रूफ कि वी वेर मोर लर्नेड अबाउट एंड अवेयर अबाउट ऑल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, फैशन टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू कैन सी फैशन ऑन द टेम्पल की जो मूर्तियां हैं उन पे आप हेयर स्टाइल
ज्वेलरी के ऐसे ऐसे डिजाइन्स, मतलब आज मैं देख रहा हूँ थंब के अंदर अंगूठी डालते हुए, लेकिन वहां पे आप देखोगे वहां इंट्रेंस में गंगा और यमुना स्वागत करते हैं इस कैलाश टेम्पल के, उनके अंगूठे में भी एक अलग तरीके की एक अंगूठी है, रिंग है, जो आज के तारीख में फैशन है। उन्होंने हर एक फैशन एक्सप्लोर किया था, ड्रेस का फैशन, योर हेयर स्टाइल्स, मेकअप्स, योर आईलैशेस, आईब्रो फैशन, एवरीथिंग वाज, सो वी वेयर लॉट मोर अहेड देन टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ 17th century, 7th century, आई वुड से। अगर इसका लेवल अलग हो गया तो ये ब्रिज कनेक्ट होगा ही नहीं, और वो ब्रिज के बारे में और इसके लेवल के बारे में पहले से ही कंटिन्यूस सोचना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आना है हमें बाद में नीचे, तो ये ब्रिज भी कनेक्शन भी उन्होंने कितनी सटीकता से सोचा होगा, आप सोचिए।